भकत सेवा परम सिद्धि, भकत से भकत सेवा परम सिद्धि, प्रेम लति कर मूल, ओ प्रेम लति कर मूल, माधव तिथि भक्ति जननी, यतने पालन करी, माधव तिथि भक्ति जननी, यतने पालन करी, कृष्ण वसति बलि परम आदर बारी, गौर आमर ये सब स्थाने, गौर आमर ये सब स्थाने, करल भ्रमण रंगे, से सब स्थान हरि व्यामी, से सब स्थान हरि वामी, प्राणाय भकत संगे, प्राणाय भकत संगे, मृदंग वाद्य सुनिते माना, मृदंग वाद्य सुनिते माना, अवसर सदायाचे, गौर विहित कीर्तन सुनी,
गौर विहिता कीर्तन सुनी आनंदे हृदय नाचे आनंद हृदय नाचे युगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद हाय प्रसाद सेवा करिते हाय सकल प्रपंच जय दिन ग्रहे भजन देखी ग्रहते गोलोक भाय चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाय तुलसी देखी जुड़ाई प्राण माधव तो शनी जानी गौर प्रिय साक सेवन जीवन सार्थक मानी भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाया प्रतिदिवसे परम सुखे स्वीकार करे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय
जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय ओम विष्णुवाद परमहंस प्रभुगाचार्य श्रोत सत्सर अभयचाम जगदगुरु विष्णु प्रभात की जय ओम विष्णुवाद परमहंस प्रभुगाचार्य श्रोत सत्सर भक्ति सिद्धांत प्रभात की अनंत कोटि वैष्णवंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गिरिधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की शिष्य राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंडनाथ कुंडगिरि गोवर्धन की मथुरा वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की तुलसी महारानी की विंध्य देवी की युगधर्म हरि नाम संकीर्तन की योगिनी एकादशी की ताई गौर प्रेमंदई ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड बॉडीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड बॉडीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड बॉडीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरंगा गुरु श्री प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 25 ही है ना, पता है कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ तक पढ़ा पता है? हमारे गुरु महाराज ने अपना कार्य पूर्ण नहीं किया, वही बात चैप्टर गुरु महाराज। तो इस प्रकरण का नाम है हमारे गुरु महाराज ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है। एक रात को स्वामी जी के कुछ शिष्य 26 सेकेंड एवेन्यू के स्टोर फ्रंट में एकत्र हुए, स्वामी जी अर्थात श्री प्रभुपाद। रंग फीका पड़े हुए गलीचे पर गोलाई में बैठकर उन लोगों ने स्वामी जी की बीमारी के अर्थ के बारे में विचार विनिमय किया। तो प्रभुपाद जी क्या हैं, अभी बीमार हैं, तो भक्त लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि अभी तो है ना कई काम हैं जो अभी पूरे हुए नहीं हैं। कहाँ तक है मैं थाली भिजूंगा इसको। प्रभुपाद की बीमारी से पहले भक्तों ने 4 जून रविवार को टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में एक बहुत बड़ा समारोह की योजना बनाई थी। पार्क के अधिकारियों ने उन्हें लाउड स्पीकर व्यवस्था और बैंड कक्ष में रंगमंच
के इस्तेमाल की सुविधा दी थी। श्रीमान कालमैन ने, जो हरे कृष्ण रिकॉर्ड के निर्माता थे, भक्तों को विज्ञापन देने के लिए प्रोत्साहित किया और स्वयं टीवी स्टेशनों से संपर्क किया था। भक्तों की ओर से हरे कृष्ण मंत्र के चिन्ह के साथ विज्ञापन दे जाने लगे, जिससे हर एक, यहाँ तक कि टीवी देखने वाले भी उस मंत्र का जप कर सके। यद्यपि अब श्रील प्रभुपाद समारोह में जाने में असमर्थ थे, फिर भी उन्होंने कहा कि समारोह होना चाहिए। वे एक विशेष भाषण तैयार करेंगे, जिसे कीर्तनानंद को पढ़कर जन समूहों को सुनाना होगा। अस्पताल में बिस्तर पर पड़े हुए उन्होंने एक छोटा सा भाषण लिखवाया। अमेरिकी युवकों को संबोधन एसी भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। तो प्रभुपाद जी बीमार हैं और कहीं चल भी नहीं पा रहे, लेकिन समारोह भक्तों ने रखा है टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में, लेकिन प्रभुपाद जी फिर भी लेक्चर दे रहे हैं, है ना, लिख के रिटर्न में। वैसे पहली बार सुन रहा हूँ मैं कि किसी ने रिटर्न में लेक्चर दिया हो, है ना, लिख के लेक्चर प्रभुपाद जी ने कीर्तनानंद प्रभु को दिया और वही लेक्चर उन्होंने वहाँ पर सुनाया प्रभुपाद जी की तरफ से। चार जून को टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में बैंड कक्ष के इर्द गिर्द कई सौ लोग इकट्ठे हो गए, जबकि भक्त हारमोनियम, करताल, मृदंग बजाने में और लाउड स्पीकर पर से हरे कृष्ण कीर्तन में लग गए। तो प्रभुपाद जी तो बीमार थे, तो उन्होंने लेक्चर लिख के दिया और अपने जो भक्त हैं उनको क्या बोला, मेरी तरफ से आप क्या करो, लेक्चर दो, है ना। तो इसी को ऋत्विक सिस्टम बोला जाता है, लेकिन ये जो है ये हमेशा लागू नहीं होता, इसको परमानेंट नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोग जैसे ऋत्विक लोग फॉलो करते हैं उसको क्या बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने सिस्टम बनाया यही चलेगा। अभी कई बार क्या होता है, जो मेन, जो पहले भी यही होता था, जब यज्ञ होते थे तो मेन जो पंडित होता था उसकी तरफ से ऋत्विक लोग आहुति देते थे बहुत सारे। तो वो सिचुएशन तब होती थी जब वो व्यक्ति बीमार हो या उसको मैन पावर और चाहिए, तब ऋत्विक लोग उनका हेल्प करते थे। लेकिन इसको हमेशा के लिए नियम नहीं बना देना चाहिए कि यही स्टैंडर्ड है, है नहीं। तो आजकल ऋतु सिस्टम में लोग यही बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ही गुरु हैं, बाकी सब जो हैं कोई गुरु नहीं है। तो प्रभुपाद जी इस तरह से किया करते थे। भीड़ में से बहुत से लोग अपने वाद्य यंत्र बजाते हुए कीर्तन में शामिल हो गए और कुछ तो रंगमंच पर चढ़कर भक्तों के का साथ देने लगे। कीर्तनानंद माइक्रोफोन के सामने खड़ा हुआ और बोला कि यद्यपि भक्तिवेदांत स्वामी बेथ इसराइल अस्पताल में बीमार पड़े हैं, तो भी उन्होंने प्रत्येक के लिए एक संदेश भेजा है। लोअर ईस्ट साइड के बहुत से लोग भक्तिवेदांत स्वामी और उनके हरे कृष्ण कीर्तन से परिचित थे। कीर्तनानंद संदेश पढ़ने लगा तो वे ध्यानपूर्वक सुनने लगे। अमेरिका के मेरे प्रिय सुंदर लड़कों और लड़कियों, मैं तुम्हारे देश में बड़ी आशा और एक महान मिशन लेकर आया हूँ। मेरे गुरु ओम विष्णुपाद परमहंस परवज्रगाचार्य अष्टोत आचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने मुझसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का यह मत पाश्चात्य जगत में फैलाने को कहा था।
तो प्रभात जी अपने गुरु को किस तरह से सम्मान दे रहे हैं, पूरा लिख रहे हैं। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवजगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। तो इससे हमें समझ में आता है, शिक्षा मिलती है कि हमें भी जब अपने गुरु महाराज का नाम लेना है तो पूरा, कई बार हम बोलते हैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इस तरह से नाम ले लेते हैं, पूरा सम्मान के साथ नाम लेना चाहिए महान आचार्यों का। और आगे बढ़ते हैं। वह बीज आरोपण घटना थी, क्रमशः बीज बढ़कर फल में परिवर्तित हुआ। तो प्रभात जी बता रहे जो मेरे गुरु ने मुझे वो दिया इंस्ट्रक्शन जो दिया कि तुम जब पाश्चात्य जगत में जाकर प्रसार करो, तो वो बीज था, प्रभात जी बता रहे हैं वो उन्होंने बीज डाला है। भक्ति शांत सुरेश ठाकुर ने जो इंस्ट्रक्शन मेरे को दिया, इंस्ट्रक्शन रूपी बीज डाला इस कृष्ण भानवे संघ का, और उसी बीज को मैं क्या कर रहा हूँ, अंकुरित कर रहा हूँ। तो सारा क्रेडिट अपने गुरु को दे रहे हैं कि उन्होंने बीज डाला। जब बीज ही नहीं डालते तो कहाँ से फिर होता, कहाँ से मेरे को, है ना, वो मेरे को अगर नहीं पकड़ते, बोलते नहीं तुम पाश्चात्य जगत में जाओ प्रचार करो, तो कहाँ से, वही बीज था। फिर उसको मैंने क्या किया, अंकुरित किया, पालन पोषण किया, तब जाके ये हुआ। तो वही बीजारोपण की घटना थी, क्रमशः बीज बढ़कर फल में परिवर्तित हुआ और मैं पाश्चात्य जगत में आने को तैयार हुआ। मैं नहीं जानता कि अमेरिका की भूमि में मेरे लिए इतना आकर्षण क्यों था। तो भरपा जी देखिए अपने पूरे हृदय से ये चीज़ को लिख रहे हैं, नए लोग हैं, जबकि उनको क्या बताने की ज़रूरत है, है ना, उनको तो फिलॉसफी दिया जाए, है नहीं। तो प्रभा जी पूरा उनको बता रहे हैं डिटेल में, अपनी विनम्रता झलक रही उनकी पूरे उसमें लेक्चर में। जैसे नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर है ना, विनम्रता होकर प्रचार करने गए थे, है ना, दांतों में तिनका लेके अपने मान अपमान की चिंता छोड़ के उनको बोलो बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो उस तरह से प्रभा जी अपना मिशन बता रहे हैं लोगों को, एकदम नए लोगों को। किंतु मेरे अंतर में विराजमान कृष्ण ने मुझे आदेश दिया कि यूरोप जाने से अच्छा होगा कि मैं अमेरिका जाऊं। तो चित्र गुरु के रूप में, परमात्मा रूप में भगवान कृष्ण ने उनको ये आगे दिया कि तुम अमेरिका जाओ। इस तरह तुम देख सकते हो कि मैं तुम्हारे देश में एक वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से आया हूँ किसी वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से मैं इधर आया हूँ। यहाँ पहुँचने के बाद मैंने देखा कि कुछ युवाजन पद भ्रष्ट हो रहे हैं। देखो कितनी शैली देख रहे लिखने की प्रभा जी की, किस तरह से प्रेजेंटेशन रखा जाए, कितनी विनम्रता है कि मैंने इस तरह से देखा, मेरे गुरु महाराज ने मुझे भेजा, ऐसे नहीं बोला। आज के लोग क्या बोलते हैं, हम गुरु हैं, ऐसे हाथ करते हैं ऐसे, है ना, हमारे शिष्य बनो, कितना अहंकार रहता है। प्रभा जी अपने आप को एक सेवक, एक मैसेंजर की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे लेक्चर में, है ना, एक है ना श्रेष्ठ व्यक्ति ने भेजा मुझे इंस्ट्रक्शन देके, उन्होंने बीज आरोपण किया, है ना, और जो है ये परंपरा से आ रहे ज्ञान, और मैं क्या कर रहा हूँ, आपको वही चीज़ दे रहा हूँ। और मैंने इस तरह से देखा, क्या देखा कि जो है आपके जो देश में जो है युवा पद भ्रष्ट हो रहा है ना, वे भ्रमित और निराश हैं, है ना, तो सिंपैथी ले रहे हैं उनकी, है ना, युवा आप लोग क्या हो, बहुत भ्रमित हो, निराश लग रहे हो। इसलिए मैंने अपने मन में सोचा कहानी के रूप में, मैंने अपने मन में सोचा फिर करुणावश कि यदि मैं अपने संदेश को अमेरिकी युवाओं तक पहुंचाऊं और वे इस आंदोलन में मेरे साथ सम्मिलित हो जाएं, ऐसे बोलेंगे तो कौन सम्मिलित नहीं होगा सम्मिलित हो जाएं तो यह सारे संसार में फैल जाएगा। अगर आप लोग मेरे साथ आ जाएं तो हम इसको पूरा फैला सकते हैं, तुरंत प्रीचिंग में लगा दिया ना, उनको करने के लिए कुछ कार्य दे दिया, आप भी आओ,
आ जाएंगे तो भक्त तो बन ही जाएंगे। आप आ जाओ सिर पे, बस जुड़ जाओ मिशन से, ये आंदोलन है। इस लेटर से हम सीख सकते हैं प्रीचिंग टेक्निक्स, है ना, कैसे प्रीच करना है लोगों को। मैं देखता हूँ कई बार संतोष बाबू जी भी टेक्निक को अपनाते हैं, फर्स्ट उसमें ही देते, मिशन देते हैं लोगों को, हाथ में थमा देते हैं, इतना इस्लामी ये कर रहा है, ये कर रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, आइए हमारे साथ ये कीजिए, है नहीं, जोश में आ जाते हैं लोग, है नहीं। वैसे उनको बोलो तुम्हारा ये आदत है, ये आदत है, ये भौतिक संसार ये है, ये आदत, वो नहीं समझने वाले, वो बाद में समझेंगे। और जो रिपीट उनको जो है ना, जिस इन्फ्लुएंस करना उनको, जिस तरह से वो लोग उनको उत्साह को बढ़ाना है और उनको एक मिशन हाथ में दे दो, तो हर व्यक्ति उसको फिर करना चाहता है, नहीं, हर व्यक्ति के अंदर जज्बा है करने का, लेकिन उसके हाथ में थमाना है, एक्सपर्ट व्यक्ति चाहिए उसको थमाने के लिए। तो प्रभात जी देखो कैसे बात कर रहे हैं अपने मैसेज से। इस आनंद में, इस आंदोलन में मेरे साथ सम्मिलित हो जाओ तो यह सारे संसार में फैल जाएगा और संसार की सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। यह समस्या केवल तुम्हारे देश की ही समस्या नहीं है, तो है ना, ये समस्या कि ऐसा मत सोचो कि आपके देश की है, हर देश की है ये समस्या। यह हर देश की समस्या है कि युवा जन की उपेक्षा हो रही है। क्या हो रही है? आप लोगों की उपेक्षा हो रही है संसार में, है ना। हम लोगों को उपेक्षा नहीं, हम लोगों को मुसीन दे रहे हैं, कुछ करने के लिए दे रहे हैं, है ना। सब लोग हिप्पी लोग थे, सब उपेक्षित लोग ही थे वो। यद्यपि हर एक की भावी आशा वे ही हैं। कौन? आप लोग ही वह समय भावी आशा हो। मेरी कितनी अभिलाषा थी कि आज मैं तुम लोगों के साथ होता, मेरी बहुत अभिलाषा थी कि मैं आप लोगों के सामने होता, है ना, आमने सामने बात होती तो कुछ और ही बात होती। श्री राधा मदन मोहन भगवान की, श्री गौनताय भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगत गुरुशील प्रभुपाद की। तो क्या प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? मेरी बहुत अभिलाषा थी आप लोगों के सामने आने की, है ना, आप लोगों से बातचीत करने की बहुत अभिलाषा थी, लेकिन मैं बीमार हूँ इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ। मेरी कितनी अभिलाषा थी कि मैं तुम लोगों के साथ होता, किंतु कृष्ण ने इसे अवरुद्ध कर दिया, इसलिए मुझे तुम सब क्षमा करना। देख रहे हो कैसे बात, कैसे लेक्चर दे रहे कृपा जी। मुझे आप लोग क्षमा करना, मैं नहीं आ पाया, और इस लिखित रूप में मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करना। ऐसा सुन के हर व्यक्ति की अभिलाषा जग जाएगी, प्रभा जी की अभिलाषा सुन के। संकीर्तन का यह ढंग, यह नाचना और गाना कितना अच्छा है, क्योंकि यह शुरू से ही हर एक को आध्यात्मिक स्तर पर ले जाता है, है ना। बाकी अब निष्काम कर्म करो, सकाम कर्म करो, कई जन्म लग जाएंगे, कई, है ना, पूरा जीवन लग जाएगा। ध्यान करो, ज्ञान है, ज्ञान से इंद्रियों को दमन करो, लेकिन संकीर्तन क्या है, तुरंत आपको स्पिरिचुअल लेवल पे आएगा, वो आपको आनंद तुरंत दे देगा, बिना हृदय की सफाई हुए। आपका पाप का हृदय है, जब तक हृदय में पाप है तब तक व्यक्ति आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता, उसको फील नहीं कर पाएगा वो, जब तक पाप हृदय में है, ये फैक्ट है। जब तक व्यक्ति के पाप हृदय में होता है तब तक वो आध्यात्मिक ब्लिस को, खुशी को अनुभव नहीं कर सकता है, इवन भौतिक खुशी को भी। इस संसार में भौतिक खुशी को भी व्यक्ति उसी अनुपात में अनुभव कर पाता है जितने अनुपात में उसका पाप कर्म क्षीण है। एक गुलाब जामुन है, उसका आनंद आप उतना ही ले पाएंगे जितना आपका पाप क्षीण है, ये सत्य है। जिस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा पाप हो, गुलाब जामुन का भी भौतिक सुख का भी आनंद ले सकता, और जितने आप देखेंगे आपका पाप कम हो सकता, भौतिक
है ना, भौतिक विषयों का भी आनंद आपको अच्छे से आने लगेगा, सतगुणी आनंद आएगा आपको। आध्यात्मिक आनंद की तो बहुत दूर की बात है। जितने अनुपात में हमारा जो हृदय की शुद्धि होती है उतना अनुपात में हम आध्यात्मिक अनुभव कर पाते हैं आनंद को। लेकिन संकीर्तन यज्ञ एक ऐसा है जो तुरंत आनंद अनुभव करा देता है, और ये सब लोगों को अनुभव है, बताने की ज़रूरत नहीं है, है नहीं। पहली बार हमने कीर्तन सुना था, याद है किसी को, पहली बार उसी में काम हो गया था, सारे पाप खत्म करके उसी समय आनंद। ये पावरफुल प्रोसेस है। प्रभुपाद जी इसलिए बोल रहे हैं ये नाचना गाना कोई साधारण नहीं है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि यह शुरू से ही आनंद देता है, आध्यात्मिक स्तर पर ले आता है। हमारे अस्तित्व के कई स्तर हैं, कोई बात आ गई प्रभुपाद जी क्या बताने, हमारे अस्तित्व के कई स्तर हैं। शारीरिक स्तर, मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर और आध्यात्मिक स्तर, कितने स्तर हैं? हाँ कितने स्तर हैं? चार स्तर हो गए। तो इस संसार में चार स्तर के लोग रहते हैं, और ज़्यादातर है ना 90% लोग, 99% लोग शारीरिक स्तर पे हैं, है ना। 5% होंगे आपके मानसिक स्तर पर, है ना। 2% होंगे आपके बौद्धिक स्तर पर, है ना। 1% उससे भी कम होंगे आध्यात्मिक स्तर पर। लेकिन चारों स्तर के लोग समाज में रहते हैं, तभी समाज चलता है। इसमें से जो चार स्तर के व्यक्ति रहते हैं संसार में, और ये आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा, खासकर भक्तों ने। बाहर के लोगों को तो सब एक ही जैसा दिखता है, लेकिन भक्त लोग ये कंपैरिजन कर सकते हैं, ये कैटेगरी तुलना कर सकते हैं। आपको इस संसार में आध्यात्मिक स्तर के लोग मिलेंगे, बौद्धिक स्तर के लोग भी मिलेंगे, मानसिक स्तर के लोग भी मिलेंगे, और शारीरिक स्तर के लोग भी मिलेंगे। जब हम आध्यात्मिक स्तर पर अपने आप को स्थित कर देते हैं, जब हम आध्यात्मिक स्तर पर अपने आप को स्थिर कर देते हैं, तो शरीर, मन, बुद्धि और अहम की आवश्यकताओं द्वारा पैदा की गई सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। तो हमारी समस्या शारीरिक स्तर पर भी हैं, मानसिक स्तर पर भी हैं, और बौद्धिक स्तर पे भी हैं। तो हर स्तर पे हमारी समस्याएं हैं, है नहीं। लेकिन ये एक ऐसा पावरफुल टूल है भक्ति, ये सारे स्तर पे ख़त्म करता है, हर स्तर पे काम करता है। लेकिन हर प्रोसेस हर स्तर पे काम नहीं करता, हर प्रोसेस हर स्तर पे काम नहीं करता। जैसे आपका ज्ञान योग है, वो आपको मानसिक स्तर तक ज्ञान आपको हेल्प करेगा, और कुछ कुछ बौद्धिक स्तर तक। और बाकी सब कर्म कांड है, ये सब आपको खाली शारीरिक स्तर पर हेल्प करेंगे, शारीरिक से ऊपर उठाएंगे। इस तरह से हर वो, लेकिन भक्ति क्या है, हर स्तर पे आपको चारों स्तर पे हेल्प करेगा, और चारों स्तर पे वो क्या करता है, हमारे पापों का नाश करता है। हमारे स्तर पाप भी चार है ना, तीन स्तरों पे होते हैं, चार स्तरों पे नहीं, तीन स्तरों पे, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक। चार स्तर पे हमारे पाप भी होते हैं। और जो भक्ति है, चार प्रकार के पाप हमारे हृदय में होते हैं, है ना, प्राकृत, सॉरी, फलम, बीजम, कूटम, प्रारब्ध, अप्रारब्ध। ये चार प्रकार के हमारे हृदय में चार स्तर पे पाप होते हैं। कोई अभी बीज के रूप में है, कोई अंकुर हो गया है ना, किसी में फल लग चुका है, कोई बस आने खाने वाला है, समझा। अलग अलग स्तर पे कोई पाप यहाँ पे है, कोई पाप यहाँ पे, कोई पाप यहाँ पे, तो सर्कल बना हो आते रहते हैं, उनको भोगते रहते हैं हम, समझा, इस तरह से। लेकिन भक्ति क्या करता है, ये सारे स्तर पे पाप को ख़त्म करता है। वो पाप अप्रारब्ध, प्रारब्ध, बीजम, कूटम, सबको ख़त्म करता है धीरे धीरे। लेकिन
पाप को तो तुरंत खत्म कर देता, लेकिन जो प्रवृत्ति होती है ना, वो प्रारब्ध तुरंत खत्म हो जाता, लेकिन बीज और जो कूट है इसको धीरे धीरे करता है भक्ति, क्योंकि ये प्रवृत्ति के स्तर पे है ये पाप। आगे बढ़ते हैं। तो हमारी समस्याएं क्या हैं? मानसिक है ना, मानसिक बौद्धिक हैं। ये हमारी समस्याएं भक्ति के द्वारा हल हो जाती हैं, इस संकीर्तन द्वारा। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आप सबसे क्या करता हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप इस आंदोलन में पूरे मनोयोग से सम्मिलित हों। इसकी प्रक्रिया अति सरल है। हम हर एक से कहते हैं कि वह आए और हमारे संकीर्तन में सम्मिलित हो। भगवान कृष्ण द्वारा सिखाए गए जीवन दर्शन को न्यूनाधिक सुने, थोड़ा प्रसाद ग्रहण करें और शांतिपूर्वक मन को ताजगी से भरकर अपने घर वापस जाएं। यही हमारा मिशन है ना, कितना सुंदर बता दिए। हमारे कुछ प्रतिबंध हैं, व्यवहारतः वे प्रतिबंध नहीं हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, देखो कितना अच्छे से बता रहे हैं, हमारे कुछ प्रतिबंध हैं लेकिन व्यवहारतः वो प्रतिबंध नहीं है, है नहीं? जैसे बच्चा है ना, कोई बच्चे क्या करता है, चाकू से खेलता है तो उसे खेलना मत खेलो बोलते हैं, हालांकि वो प्रतिबंध नहीं है, है नहीं? लेकिन उसको प्रतिबंध प्रतीत होगा, वो चाकू से अपने ही गला काट देगा, है नहीं? चाकू से दूर रहना ही अच्छा है, वो प्रतिबंध थोड़ी है कोई, लेकिन उसको क्योंकि वो चाकू से आसक्त हो गया है इसलिए उसको प्रतिबंध लग रहा है वो। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वास्तव में ये प्रतिबंध नहीं है लेकिन आपको ऐसा प्रतीत होगा। वरन कुछ खराब चीज़ों की जगह अच्छी चीज़ें हैं, है ना? आप खराब चीज़ में लगे हैं लेकिन हम आपको अच्छी चीज़ देंगे, कोई इसमें कोई प्रतिबंध नहीं दे रहे हमको। हम आपको ये नहीं बोल रहे कि ये चीज़ तुम छोड़ दो वो छोड़ दो, हम उसको इससे अच्छी चीज़ आपको दे रहे हैं। ये कितना अच्छा तरीका है ना बताने का, हम बोलते ये छोड़ो ये छोड़ो ये ग्रत है पापी पुरुष। प्रभुपाद जी देखो कितना उनको, कितना उनके लेवल तक जाके है ना, उनको कैसे उठा रहे हैं जैसे माँ अपने बच्चे को उठाती है नहीं? अपने प्रेम से उनको लेके आ रहे हैं, उस जगह से उठा रहे हैं, है नहीं? उनको थोड़ा भी कष्ट ना हो, कृष्ण भावना में है ना को पकड़ने के लिए थोड़ा भी कष्ट ना हो, इस तरह से उनको बता रहे हैं ना। आप शराब पी रहे हो है ना, आप बहुत सारी बुरी आदतें हैं मानता हूँ, लेकिन हम कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं आप पे, है ना? हम और अच्छी चीज़ देंगे आपको, इसी के बाद 1,00,000 रुपए हैं, आपको 1 करोड़ दे दो तो प्रतिबंध थोड़ी हो, तो और अच्छा हो गया उसके लिए, वो तो और खुश होगा ना। प्रभुपाद जी एक व्यक्ति बोला कि जो है हम तो ये आप प्रभुपाद जी बोले कि आप ये गांजा क्यों लेते हो, ड्रग्स क्यों लेते हो, है ना? तो वो बोला कि इससे क्या होता, मैं ऊंचा स्थित हो जाता हूँ, मतलब ऐसा लगता है मैं क्यों, मैं शरीर से उठ चुका हूँ, हाई हो चुका हूँ मैं मैं ऊपर है ना, हाई हो चुका हूँ, मुझे आनंद आता है। तो प्रभुपाद जी बोले लेकिन जैसे ही उतरती है वैसे फिर ज़मीन में गिर जाते हो, हाई से फिर नीचे आ जाते हो, लेकिन मैं आपको ऐसा ड्रग्स दूंगा हाई फॉर एवर, जो मैं हमेशा के लिए ऊपर रहे हो। ये है प्रभुपाद जी, ये है प्रभुपाद जी का टेक्निक प्रीचिंग करने का, हाई फॉर एवर, हमेशा के लिए ऊंचे बने रहो हमेशा के लिए। तो वो तुरंत ऐसा नशा तो हमको दीजिए, कहाँ है वो नशा, हर व्यक्ति चाहता। तो वैसा ही है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हम आपको कुछ व्यवधान नहीं डाल रहे आपके उसमें, हम बोले मजे करो, क्या भक्त लोग मजे नहीं करते, आप लोग मजे नहीं करते, है नहीं? लेकिन आप क्या हो, हाईर टेस्ट ले रहे हो, अच्छा आनंद ले रहे हो, उससे कई गुना हमेशा आनंद में रहते हैं। जैसे भक्त लोग नाचते हैं, शराबी जब जब तक चढ़ी रहती है तब तक नाचेगा वो लेकिन भक्त लोग
कभी भी नचवा लो उनको, अभी कीर्तन करो, अभी नाचना शुरू, नशा हमेशा चढ़ा हुआ है है नहीं? तो ये बात है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे हैं कि कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे हम वहाँ पे, व्यवहारतः ये कोई प्रतिबंध नहीं है, वरन कुछ खराब चीज़ों की जगह कुछ अच्छी चीज़ें हैं। इस दिन उस दिन श्रीमान एलन बर्क ने टीवी के कार्यक्रम में मुझसे पूछा था, स्वामी जी आप विवाह का आग्रह क्यों करते हैं, स्वामी जी आप विवाह का आग्रह क्यों करते हैं, हम लिविंग रिलेशनशिप पे क्यों नहीं रह सकते, कह नहीं करते हैं। तो जो यहाँ पे अभी चल रहा है इंडिया में लिविंग रिलेशनशिप, वो पहले 50 साल पहले था विदेश में। तो इस दृष्टि से हम 50 साल पीछे हैं अमेरिका से तो लोग बोलते हैं ना अमेरिका से पीछे है ना, इस चीज़ में हम अमेरिका से 50 साल पीछे हैं लिविंग रिलेशनशिप। तो ये पहले था, तो वो बोल रहे हैं कि तो आप शादी के लिए क्यों बोलते हैं हम। और मैंने उत्तर दिया था, जब तक किसी को घरेलू जीवन में शांति नहीं मिलती तब तक वह जीवन या ज्ञान के किसी अन्य क्षेत्र में प्रगति कैसे कर सकता है। इसे क्या समझे, जब तक किसी को घरेलू जीवन में शांति नहीं मिलती तब तक वह जीवन या ज्ञान के किसी अन्य क्षेत्र में प्रगति कैसे कर सकता है। मतलब कि व्यक्ति पहले गृहस्थ में रह के या अपनी स्थिति में रह के नियत कर्म करे अपने, आपकी आपके हृदय में है ना वस्तुओं को भोगने की इच्छा है, और आप क्या करते हैं आप उसको अपने छोड़ के जबरदस्ती अगर आप संन्यास धारण करते हैं तब तो आपको शांति नहीं मिलेगी। हम भले ही हिमालय में चले गए लेकिन आपने निष्काम कर्म करते हुए है ना नियत कर्म करते हुए भक्ति का अभ्यास नहीं किया तो आपका क्या होगा, आपकी इच्छा बनी रहेगी, कहने करते हैं। जब तक आप घरेलू जीवन में रह के है ना उसे जो है शांति प्राप्त ना कर लिया, इसलिए शांति और सुख दोनों के लिए विवाह आवश्यक है। तुम सभी सुंदर अच्छे शिक्षित लड़के लड़कियां हो, तुम्हें विवाह करके सुखी जीवन क्यों नहीं मिल बिताना चाहिए। तो वो लोग सब क्या थे, सबको छोड़ दिए थे, किसी की शादी हो तो अपने बीवी को छोड़ दिया, किसी की अगर माँ बाप है तो उनको छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो लोग क्या हैं अशांत हैं। तो प्रभुपाद जी उनको फिर से वैदिक रीति से किस तरह से विवाह किया जाए, किस तरह से है ना माता पिता की सेवा की जाए, वो चीज़ सिखा रहे हैं उनको। पहले वो तो सीखे, संन्यास की बात तो बहुत दूर की बात है, इंडिया में तो लोग ये सब चीज़ जानते हैं, संन्यास ले सकते हैं, लेकिन विदेशों को पहले यही चीज़ पता नहीं है। और क्या है, यदि तुम शांत नियमित जीवन बिताते हो, कृष्ण के प्रसाद के अतिरिक्त कुछ नहीं खाते हो, तो तुम्हारे मस्तिष्क की रगों का विकास आध्यात्मिक चेतना और संबोध के लिए ही होगा। तो आप अगर है ना उल्टा सीधा ना खा के केवल प्रसाद खाते हैं तो आपके सूक्ष्म तंतु आपके जगेंगे जो स्पिरिचुअल चीज़ों को समझने में सहायक होंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल तत्व सबसे सूक्ष्म है। सबसे सूक्ष्म क्या है, आत्मा है, आत्मा का जो तत्व है सबसे सूक्ष्म है वो, उसको समझने के लिए क्या चाहिए आपको, आगे बुद्धि के सूक्ष्म तंतु जो है जगे होने चाहिए। मुझे अभी भी अनुभव है, जब मैं नया नया जुड़ा था तो भगवद गीता जब पढ़ा था कुछ भी समझ में नहीं आया, और ये आप लोग भक्तों के संग आके प्रसाद पाके पाते पाते धीरे धीरे समझ में आने लगा, अच्छा अच्छा थोड़ा थोड़ा है ना समझ में आने लगा। तो वास्तव में ये प्रैक्टिकल है, जब व्यक्ति सतोगुणी भोजन आहार शुद्ध होता है तब व्यक्ति सत्व शुद्ध होता है, तो सत्व शुद्ध है तब उसका मन शुद्ध होता है, जब मन उसका शुद्ध है तो उसकी
अस्तित्व शुद्ध होता है, जब उसका अस्तित्व शुद्ध होता है तब जाके वो स्पिरिचुअल चीज़ों को समझ पाएगा। यदि तुम इन सरल प्रतिबंधों के लिए तैयार नहीं हो तो भी मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि कीर्तन में हमारे साथ सम्मिलित हो। तो प्रभुपाद जी बोले हैं, अगर तुम ठीक है इसको ना भी करो तब भी तुम आ सकते हो। देवर कितने डाउन टू अर्थ प्रभुपाद जी जा रहे हैं, चार नियम तो बताए नहीं, खाली विवाह करो है ना, अगर तुम चाहते हो किसी लड़की को गर्लफ्रेंड है ना उससे शादी कर लो। प्रभुपाद जी बोले यहाँ तो बोले ये तो यही नहीं भी कर पाओ, ठीक लिविंग रिलेशनशिप पर रहो लेकिन हमारे साथ आते रहो। उससे क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा काम, है नहीं। यदि तुम सरल प्रतिबंधों, ये सरल प्रतिबंध हैं है ना, के लिए तैयार नहीं हो तो भी तुम, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे कीर्तन में आते रहो, हमारे साथ सम्मिलित हो। हर एक इसे कर सकता है, इसे हर एक कर सकता है, मतलब उनको लाल ही प्रभुपाद जी इतना बोल दें कि आए ही जाएंगे। तो ये हर एक के लिए सरल है, आप लोगों के लिए सरल है ना। और इससे धीरे धीरे सब स्पष्ट हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, स्पष्ट हो जाएगा, तुम्हें दिखेगा क्या चीज गलत है ना, दृष्टि स्पष्ट हो जाएगी आपको, आपको चक्षु मिलेगा, चक्षुदान दिलो जयी जन्म जन्म प्रभु से, है ना। ये हम लोग भी देख सकते हैं, व्यक्ति जब तक कृष्ण भाव में नहीं जुड़ता, भक्ति नहीं करता, उसको समाज में क्या गलत है क्या सही है निर्णय लेने की शक्ति खत्म हो जाती है, वो समझ में नहीं आता क्या करूँ, जस्ट डू इट, बस जस्ट कर देने का, सही हो गलत हो उसको कुछ हो ही नहीं है, पावर ही नहीं है वो उसके अंदर। लेकिन जैसे ही व्यक्ति कीर्तन करता शुद्ध होता तो उसके अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन पावर आता है, निर्णय लेने की शक्ति आती है क्या सही है क्या गलत है, तो उस हिसाब से व्यक्ति फिर चलता है समाज में। जब समस्याएं हल हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ होगा, तब क्या होगा, एक नए अध्याय का आरंभ होगा आपके जीवन में, जब समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी, आपका मन जब शांत हो जाएगा तो एक नया चैप्टर शुरू होगा। इसी सप्ताह में मुझे न्यू जर्सी से एक लड़की का पत्र मिला है जिसे ऐसा ही अनुभव हुआ। तो बाद में प्रभा जी उदाहरण भी दे दिए कि आप बोलोगे कि ऐसा किसी को हुआ है, ऐसा ऐसा करने से ये प्रोसेस किसने किया हो, उसका हेल्प ऐसा कहीं हुआ है, तो नाम भी बता दिए प्रभा जी, ऐसा किया किसी ने उसका हेल्प हुआ, उसका नाम बता दिए प्रभा जी कि न्यू जर्सी में एक लड़की रहती थी, उसने मुझे पत्र लिखा है ना, तो उसने अपने पत्र में अपना अनुभव व्यक्त किया। क्या अनुभव व्यक्त किया, कि मैं भी पहले इसी चीज़ में लगी हुई थी लेकिन जब से आपने मुझे ये प्रोसेस दिया तो मैं क्या कर रही हूँ, शांति का अनुभव कर रही हूँ है ना, मुझसे उसे हाइयर टेस्ट प्राप्त हो रहा है और मैं मन की शांति अनुभव कर रही हूँ। प्रिय स्वामी जी, आप मेरे नाम नहीं जानते। अब उसका पत्र पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी, उसी पत्र में, अपने पत्र में उनका पत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं वह लड़की हूँ जो गत शनिवार को वाशिंगटन स्क्वायर में आपके जुलूस में शामिल हुई थी, कीर्तन का जुलूस निकल रहा था उसमें शामिल हो गई थी वो। जब पहले मैंने आपकी मंडली देखी तो मुझे लगा कि आप सनकी हैं। आप लोगों को लगा किसी को? जब कीर्तन में नाचते लोग कड़ी धूप में, सब लोग अपना काम में लगे, वो पागलों की तरह नाच रहे हैं, किसी को देखते हैं ना, छुट्टियां है, अजीब से कपड़े हैं, तो है नहीं, ऊपर से हेड है पूरा क्लीन है और ऊपर से नाच रहे हैं, तो ये लगता है ना जी सर तिलक है, और विदेश में तो और ज़्यादा लगता था, तो सनकी लगते होंगे है ना। या फिर आप सबको नशा किए हैं, तो यह लग रहा था कि आप लोग सबको नशा किए हैं, दो लगा उनको, या तो आप लोग सनकी हैं या आपने बहुत ज़्यादा लगा रखी है।
आप में से कुछ के साथ बात करने और संकीर्तन सुनने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि इन दोनों में से कोई बात सही नहीं है। जब बात किया तो समझ में आया उसको कि ऐसा तो नहीं है, तो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, ना ये नशा किए हुए ना ये सन किए। आप लोग जो कुछ कर रहे हैं उसमें आप लोग लोगों का पूरा विश्वास है, आप लोगों को पूरा विश्वास है तभी व्यक्ति ऐसा करेगा। और इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करने लगी, लेकिन मेरी उत्सुकता ने मुझे आगे बढ़ाया और मुझे मालूम करना पड़ा कि ऐसा क्यों है, है ना। तो उसने जो प्रशंसा किया उससे उसको क्या मिला, स्वीकृति मिली, है ना, भगवान का इंक्लिनेशन उसकी तरफ हुआ। तो भगवान ने उसको अगले स्टेप फिर दिया, अगला स्टेप क्या दिया कि उसके अंदर उसके हृदय में भगवान परमात्मा में बैठे थे, उत्सुकता जगाई, क्योंकि उसने क्या किया, प्रशंसा किया। लेकिन जो लोग भक्त का निंदा करते हैं करते तो और दूर चले जाते हैं फिर। लेकिन किसी ने भी खाली हृदय से संकीर्तन जा रहा है, खाली हरे कृष्ण ना बोला, खाली उसने प्रशंसा कर दी, कितना अच्छा काम कर रहे हैं लोग, कितने अच्छे हैं, है ना, नौजवान लड़के हैं, इतना अच्छा भगवान का कीर्तन करें, चलो हम नहीं कर पाए लोग तो अच्छा काम करें, खाली प्रशंसा कर दी, तो सुकृति उसका पुण्य हो गया। वो उस पुण्य के बल से उसके अंदर जिज्ञासा जगेगी, और जिज्ञासा जब करेगा तो उसको भक्तों का संग मिलेगा, और भक्तों का संग मिलेगा तो और सुकृति मिलेगी। भी भक्त उसको क्या देगा, भगवद गीता देगा, नाम देगा, तो जब वो नाम लेगा पहली बार तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तो उसके पाप नष्ट हो जाएंगे तो उसका क्या होगा, भक्ति की तरफ ही इंक्लिनेशन होगा, उसे आकर्षित कृष्ण भगवान से आकर्षण होगा थोड़ा, क्योंकि जब तक पाप है तब तक आकर्षण नहीं हो सकता, तब तक हृदय में ईर्ष्या रहती है भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, स्वाभाविक है, हर व्यक्ति के अंदर भक्तों के प्रति और भगवान के प्रति ईर्ष्या रहती है पाप के कारण, इतने पाप है कि वो देखना नहीं चाहता भक्तों से, स्वाभाविक, कोई दुश्मनी नहीं है आपसे, मैं कभी नहीं मिला लेकिन फिर भी ईर्ष्या है। ये सर्वधारी जितने भी सबसे ईर्ष्या है, लेकिन जैसे उनको स्वीकृति होता है, उनका पाप थोड़ा भी कम होता है तो उनका क्या होता है, उनका हृदय हल्का होता है, तब उनको थोड़ा लगता है हाँ ठीक है। वो लोग भी वो है अपने पाप से बाधित हैं, पाप के मजूर में, जैसे हृदय का शुद्धिकरण होगा वैसे उनकी चीज़ें अच्छी लगने लगी, भगवान का मंदिर अच्छा लगने लगेगा, भगवान कृष्ण की विग्रह अच्छे लगेंगे, भक्त लोगों को देख के अच्छा लगने लगेगा। यह है मतलब व्यक्ति के अंदर पुण्य जागृत हो रहे हैं, पाप खत्म हो रहे, इसका अर्थ ये हुआ। तो उसने लड़की ने क्या किया, पहले प्रशंसा की और उस प्रशंसा से उसके अंदर उत्सुकता जगी, और उस उत्सुकता के कारण उसने क्या किया, जिज्ञासा मतलब पूछना चालू किया भक्तों से, मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा क्यों, इसलिए मैं आपके पीछे लगी, और जब मैंने ऐसा किया तो जो कीर्तन आप करते हैं मैं उसमें बधने लगी। तो उसका ऐसा उसको क्या लग रहा है, अब उसको लग रहा है कि उसको आनंद आने लगा। अब जिस तरह से व्यक्ति बधता कहाँ है, जहाँ उसको आनंद मिलता है, जैसे LSD में नशे में लोग बधते हैं, उसको क्या लगता है, उसमें आनंद लगता है, है ना। और हम जैसे कोई भौतिक वस्तु का भोग करते हैं तो उसमें हमें आनंद लगता है, इसलिए हम उससे बच जाते हैं। तो इसी तरह से जब अच्छी चीज़ों से बच जाएँ तो अच्छी बात है, है ना, भगवान से बच जाएं, भगवान के नाम से बच जाएं, भक्तों के संग से बच जाएं, है ना। तो उस तरह से वो क्या है, भक्तों से बचने लगी। जो दूसरी चीज़ मुझे मालूम हुई वह यह है कि मैं अपने से स्वतंत्र हो गई। तो उसे क्या फील हो रहा है, मैं अपने से स्वतंत्र हो गई हूँ, मतलब अपनी आदतों से, और स्वयं भी कीर्तन करने लगी। मैं नहीं जानती थी कि मैं कहाँ थी और कहाँ जा रही थी, तो कीर्तन में इतना मग्न हो गई तो भूल गई मैं कहाँ जा रही थी, कहाँ सब भूल गई, मैं कहाँ से आई थी। कई बार कीर्तन में भक्त लोग इतना मग्न हो जाते हैं तो भूल ही जाते हैं, है ना, शरीर लेवल से ऊपर उठ जाते हैं, उसमें कहाँ याद रहता है मैं कहाँ से आया, सब है ना भौतिक धरातल से ऊपर उठ जाते हैं, मैं कहाँ से आया, कहाँ मुझे है ना कहाँ जाना था, ये सबके साथ हुआ होगा, है ना, कोई है ना कहीं जा रहा होगा रथ यात्रा में, भक्तों के साथ थोड़ा नाचा भूल ही गया हो मैं कहाँ जा रहा था, कहाँ आ रहा,
कहाँ जाना है। तो ये इतना पावरफुल है कीर्तन विधि, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। भक्ति की नौ विधियाँ हैं, भक्ति की नौ विधियाँ हैं, उसमें से भी तार मध्य, इन सब के मध्य में कौन है, नाम संकीर्तन, इनमें से भी श्रेष्ठ हैं। क्या कर्म योग, निष्काम कर्म योग है ना, योग ध्यान योग ज्ञान योग, सब योगों से बड़ी भक्ति है। अब भक्ति भी कई अंग हैं, उसमें से जो नौ मुख्य अंग हैं सबसे श्रेष्ठ हैं, और उसमें से भी नाम संकीर्तन सबसे टॉप मोस्ट, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। आप देखो जब करो आपका मन भागेगा, नींद आएगी वो आएगी, लेकिन आप कीर्तन करो ना आपका मन भागेगा ना आपको नींद आएगी, बल्कि आपका शरीर का हर अंग, हर एक आपका एटम जो हर का आपका जो है सब सेवा में लगा है, रग रग सेवा में लग जाता है नहीं, नाच कर रहे हैं पूरा अंग, आंखें नाक मुंह सब सेवा में लग गया, पूरा शरीर टोटली स्पिरिचुअल। तो ये इतना पावरफुल है नाम संकीर्तन, और ये डायरेक्ट है ना, भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है, तो डायरेक्ट करंट लग जाता है। भगवान से आप डायरेक्ट छू लिए, जैसे हम डायरेक्ट तार को छू लेते हैं तो क्या लगता है, तुरंत करंट लग जाता है। तो ऐसे ही नाम संकीर्तन है, डायरेक्ट टच में आ जाते हो आप स्पिरिचुअल, तो आपको करंट लग जाता है, फिर आप सब भूल जाते हैं। लेकिन ये तब होता है जब उसमें अब्जॉर्प्शन, अब ज़्यादा जितना ऑब्जर्व होंगे उतना ज़्यादा करंट लगेगा आपको। हालांकि हर व्यक्ति का उस समय मन तो भागते नहीं, कीर्तन जब चलता है तो व्यक्ति जब नाचता है तो उसका मन उसी यहीं रहता है, लेकिन उसमें भी कैटेगरी है, उसमें भी आप जितना ऑब्जर्वेशन उसमें रहेंगे, जितना ध्यान पूर्वक मन में करेंगे, जितना आपको उसके अंदर झोंकेंगे, उतना आपको ज़्यादा करंट लगेगा, और उतना आप भौतिक स्तर से आध्यात्मिक ऊपर स्तर पर उठते जाएंगे, आपका हर चीज़ कटेगा, आपका अहंकार भी कटेगा है ना, मानसिक स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे है ना, शारीरिक स्तर पे, सब स्तर पे आपकी शुद्धिकरण होगा कीर्तन में, इतना पावरफुल है। और भौतिक फायदे की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हो तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो होता ही है, तो उसके लिए हम नहीं करते, ठीक है। तो हर तरह से फायदा है, मुझे इसकी चिंता नहीं रही थी। कीर्तन समाप्त होने के बाद मैं जान सकी कि मैं कहाँ हूँ, जब कीर्तन समाप्त हो तब मैं जान पाई, अच्छा 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 मैं इधर हूँ अभी, हैं टॉमसन स्क्वायर पार्क में मैं डांस कर रही हूँ भक्तों के संग में। तो यहीं पर हम विराम देते क्योंकि समय हो गया है, ये लेटर अभी पूरा नहीं हुआ है, इसमें दो तीन पैराग्राफ और हैं, तो अगली बार उसको पूरा करेंगे हम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रश्न, हाँ पूछिए, लेटर पूरा कर लें, हाँ लेटर पूरा, प्रोजी बोल रहे लेटर पूरा कर लें, अच्छा रहेगा कर लेते हैं। उस समय तक मुझे थोड़ा थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया था कि कृष्ण भावनामृत क्या है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो गया। अपने सदस्यों में से किसी ने मुझसे, आपके सदस्यों में से किसी ने मुझसे आपके मंदिर में आने को कहा, तो किसी भक्त ने क्या बोल दिया, मंदिर में भी आओ आप, और मैं आपके पीछे और दूर तक चलती रही इस आशा में कि मैं जान सकूं कि वह क्या चीज़ है जो आपको इतना बल देती है और जिसके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं था। आपके साथ भोजन करने और आपका साहित्य पढ़ने के बाद मैं चली आई, किंतु अकेली नहीं, मेरे साथ जीवन का एक नया बोध आया। तो क्या है, एक नया बोध आया मेरे जीवन में, मुझे लगा कि जीवन में सांसारिक पदार्थों की मेरी इच्छाएं कितनी व्यर्थ हैं और नए वस्त्र, बड़ा मकान, रंगीन टीवी महत्वपूर्ण नहीं हैं। तो ये व्यक्ति अनुभव करने लगता है, जब आध्यात्मिक आत्मा को जो आनंद आता है तो हर व्यक्ति को लगता है कि है ना, भौतिक माया आपको क्या लगेगी, बदसूरत लगेगी, और भगवान कृष्ण आपको सुंदर लगेंगे, ये प्रैक्टिकल होता है ये। यदि लोग आंखें खोलकर उन असंख्य आंदोलनों आनंदों की ओर देखें जो कि ईश्वर की ओर से हमें प्राप्त हैं,
तो और अधिक आनंद खोजने की जरूरत नहीं रह जाएगी। आप लोग सचमुच भाग्यशाली हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों के बिना काम चलाना पड़ता होगा, लेकिन इसी कारण आप संसार के ईश्वर प्रदत्त आनंदों के कोष का उपयोग करते हैं। अपनी आस्थाओं के कारण आप संपत्तिशील हैं और उन संपत्ति में से छोटा सा अंश जो आपने मुझे दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इसलिए हम आपको आमंत्रित करते हैं, अप्रभा जी उनको संबोधित कर रहे हैं, है ना, जहाँ पे पार्क में लेक्चर हो रहा है अप्रभा जी का, उनको संबोधित कर रहे हैं आप। इसलिए हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे साथ कीर्तन करें, है ना। अनुभव बता दिया, पूरा लेटर पढ़ के एक व्यक्ति का पूरा अनुभव बता दिया। तो हम आपको आमंत्रित करते हैं, यह कितनी बढ़िया चीज़ है प्रभा जी बता रही, कितनी बढ़िया चीज़ है। यदि आपका जी चाहे तो आप हमारे मंदिर आएं, यथा चसी तथा करू, जैसे भगवान ने बोला अर्जुन को, ऐसे प्रभा जी बोल रहे हैं कि ये सब बता दिया मैंने, लेकिन आपका जी चाहे तो आप मंदिर आएं, थोड़ा प्रसाद ग्रहण करें और प्रसन्न हो। यदि आप गाएं तो यह कोई कठिन काम नहीं है। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रभा जी ने अपने लेटर में पूरा मंत्र लिखा है। इससे आपकी रक्षा होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपको आपका भला करें। तो ये प्रभा जी का लेटर रूपी लेक्चर उन लोगों के लिए था और हम लोगों के लिए भी था। है ये चालन हमने ऐड किए। तो एक प्रश्न ले सकते हैं और एक टिप्पणी। आपने जैसे बताया कि जब तक भोगने की इच्छा खत्म नहीं हुई है तब तब तक वैराग्य नहीं होना चाहिए। तो तत्व प्रभु जी मतलब अभी जैसे जो ज्वाइन करने को सुन लिया, तो जो जो ऐसा तो नहीं है कि सारा सब रेड प्लेस रेड जैसे सब खत्म हो गया, भी है और वो भी तो उमड़ उमड़ के आती रहती है। तो लेकिन जैसे प्रभु जी के मुख में एक सब को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए जो समय लगाना जरूरी है, तो मतलब इसलिए समय नहीं पाता। क्या वास्तव में वैराग्य लिए? यहाँ पे जो वैराग्य की बात करो, फल्गु वैराग्य है। हम लोग वैराग्य कहाँ लिए? माइक है ना, मोबाइल है, सबको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। युक्त वैराग्य हम लोग पालन कर रहे हैं, चीज़ों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, है नहीं? और प्रभा जी क्या बोल रहे थे इसे, क्या बताया था उसमें, कुछ बताया था ना, शादी को करना चाहिए, वो हाँ शादी क्यों करना चाहिए? हाँ, तो उन लोगों को पहले वैदिक वर्णाश्रम धर्म लाना चाहते हैं प्रभा जी, जो शादी करना उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। क्योंकि लोग किस में लगे हैं? व्यभिचार में लगे हुए हैं। तो कम से कम पहला स्टेप तो आए, कंट्रोल तो हो। जैसे कोई शराबी होता है, एक डॉक्टर के पास दो लोग गए, तो एक को डॉक्टर ने बोला आप 5 सिगरेट पी सकते हो दिन में, तो दूसरा व्यक्ति गया तो उसने बोला क्या बोला डॉक्टर ने आपको, उसने बोला कि डॉक्टर ने बोला 5 सिगरेट पी सकते हो, अरे अच्छा। तो फिर वो गया तो डॉक्टर के बोला आप कितना सिगरेट पीते हो, उसने बोला मैं 5 सिगरेट पीता, उसने बोला कि आप सिगरेट मत पियो, तो बोला ये क्या पार्सलिटी है तो, है नहीं वो बोला, तो समझ गए इससे ये लत किसकी कितनी है, उसका व्यक्ति को धीरे धीरे वहाँ तक। अब वो लोग व्यभिचार में लगे हुए, पहले कम नियमित करें, कम से कम है नहीं, नियमित करके करें, शादी करें, उसमें नियम के अनुसार चलें, फिर व्यक्ति को फिर वैराग्य जगेगा उसके हृदय में, फिर उसको भी छोड़ेगा धीरे धीरे, फिर उसको बताया जाएगा कि आप इसको भी छोड़ो, है नहीं। गृहस्थ आश्रम के बाद क्या आता है? वानप्रस्थ आश्रम। तो पहले वो व्यभिचार से पहले यहाँ पर स्थिर तो हो, उनका मन तो स्थिर हो, पहले
मन स्थिर कब होगा? जब शादी करके व्यवस्थित रहेगा, है नहीं? उसका मन को पहले स्थिर करना है। अभी व्यवचार में लगा हुआ है, कभी इस पे कभी उस पे, तो और कहीं दृष्टि नहीं रखनी है, है ना? सबको माँ की दृष्टि देखना है अपनी पत्नी को छोड़ के। तो एक पत्नी से रहो, स्थिर रहो, मन स्थिर रहेगा। फिर उसके बाद प्रभा जी उनको आगे कहाँ ले गए हम देखते हैं। जैसे प्रभा जी फिर के वानप्रस्थ में ले गए, फिर वो भी छोड़ाए, किया नहीं किया प्रभा जी ने? तो इस तरह से धीरे धीरे उनको ला रहे हो, तो उनके लिए है ये, हमारे लिए नहीं। और कोई बताना चाहे आदि करता, कुछ बताना चाहें इसके बारे में तो बता सकते हैं। तो समाप्त करें, कुछ बताना चाहेंगे? जगत गुरु शिलो ब्रो।